हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और देख लो मुझको, मैं आ गई हूँ अपने छोटे से कच्छे में। आई मीन मैं कच्छे ही पहन कर सोती हूँ, ऐसी कोई नई बात नहीं है। तो सब मेरे घर में सोए हुए हैं जैसा कि रोज़ाना होता है। तो मैं जा ही हुई हूँ और मैं आज थोड़ा लेट उठी क्योंकि वर्कआउट करती हूँ ना बीच बीच में। जब भी वर्कआउट करती हूँ उसकी वजह से मेरी बॉडी में पेन होता है, तो मैं रेस्ट ही लेती रहती हूँ आजकल। तो बहुत ज़्यादा बदन में दर्द होने लग गया है एंड अभी मैं फिट भी हो रही हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग। ये तो आपको जिस दिन मैं शूट कराऊंगी ना अपना, उसी दिन पता लगेगा मैं कितनी फिट हो जाएगी। एक बात और बोलना चाहूंगी, वर्कआउट करना ही कंपल्सरी नहीं है, अपना लल्लो भी रोकनी पड़ती है, जैसे कि मैंने रोकी भी है। हमारे घर में कुछ भी बने मैं नहीं खाती हूँ, मैं दूसरों को खिलाना पसंद करती हूँ, खुद नहीं खाती हूँ। जैसे कल मैंने बीटरूट खाया था, उसका सैलेड, तो उससे ना मेरा टम्मी बिल्कुल फुल हो गया था, तो अच्छा था बहुत। आज हम चुकंदर का जूस पियेंगे, अच्छा सा टेस्टी सा। तो जल्दी से तुरई काट लेते। फिलहाल तो मैं तुरई बनाने जा रही हूँ, तुरई की सूखी सूखी हरी मिर्चों वाली सब्जी, और बना दूंगी हल्के हल्के फूल के ताकि सुबह का खाना हो जाए जब सब उठेंगे, क्योंकि सब लोग लेट उठेंगे, क्योंकि लेट सोए हैं, क्योंकि अनाया बेगम नहीं सो रही थी। मैं तो अपने कमरे में जाके सो जाती हूँ दोस्तों। तो ये अलग किस्म की तुरई है, वैसी वाली नहीं है जैसी होती है। तेज धार वाला चाकू ले लिया मैंने, बर्तन इसको ना उसमें ले जाती हूँ, किसी टोकरी में, टोकरा अच्छा रहेगा इसके लिए। तो यही मैंने चढ़ा दिए, कुछ ऐसी बन रही है। पानी अपने आप ही छूट गया, पता है मैंने तो कुछ डाला भी नहीं इसमें। चलो मसाले वाली बन जाएगी ये, फिलहाल बना देते हैं मम्मी के लिए चाय। मम्मी उठ गई। मुझे ना दोस्तों बड़ी खुशी होती है कि मैं ना बहुत चेंज हो गई हूँ अभी। मतलब मैं बीच में इतनी लेजी हो गई थी कि हम अपनी गलतियों के खुद जिम्मेदार होते हैं। मतलब हम अपना मोटापा खुद लाते हैं, हम अपनी मौत को खुद दावत देते हैं, एंड हम जितनी भी गलतियां करते हैं फिर हमारे घर में जो होता है उसके भी हम खुद जिम्मेदार होते हैं। हर चीज़ में हम लोग ही खुद जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हम लोग देखो अभी मैंने अपने आप को चेंज किया तो मैं अच्छी लग रही हूँ ना। तो इसके लिए सबको अपनी आदतें ना एक टाइम पे छोड़ देनी चाहिए, खुद अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए। जब तक आपकी खुद की विल पावर नहीं होगी, जब तक आप कभी ना तो सुधर सकते हैं ना अपने आप को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट अपने ऊपर ध्यान दें, बाद में दूसरों को ज्ञान दें, इसका सीधा सा मतलब यही है। स्वीट कॉर्न उबालते हैं दोस्तों, पानी निकाल दिया, स्वीट कॉर्न उबाल देती हूँ। और सब्जी देखो क्या लाजवाब बनी है, ये देखो ऐसी सब्जी खाना तो ये बहुत टेस्टी लगती है, कम तेल में बनाती हूँ। मम्मी को दिखाने जाऊंगी आज मैं टीथ वाले के पास, है ना। दर्द हो रहा ना बहुत, मम्मी का दांत टूट गया है ना, और वो जबान में अड़ रहा है ना। अरे देखो बेचारी का मुंह कैसा हो गया, दिखाओ साइड से, देखो सूज गया पूरा। कोई बात नहीं, आप जल्दी से कपड़े पहन लो। और हमारे घर में हो रहा है एयरटेल का काम, उस रूम में सारा काम चल रहा है, मान करवा रहे। मैंने गमले वाले को अभी से, मम्मी कितने 2 घंटे हो गए ना गमले वाले को, 2 घंटे पहले बोल के गया था कि मैडम मैं आ रहा हूँ, मैंने ना तुलसी का पौधा मंगवाया था एलोवेरा, उसने बोला कि एलोवेरा को ना उसमें बड़े गमले में लगाओ क्योंकि इसकी जड़ें फैलती हैं। आप लोगों को भी बता रही हूँ नॉलेज के लिए, बाकी तो जो पौधे एक्सपर्ट है उनको पता होगा कि एलोवेरा का पेड़ जितना बड़ा होता है तो उसकी जड़ें फैलती हैं, तो एलोवेरा का गमला बड़ा होना चाहिए। मेरे पेड़ के अकॉर्डिंग मेरा गमला छोटा है, तो वो गमला लेने गया था, उल्लू का पट्टा भी तक नहीं आया। और मैं रोटी बना लेती हूँ पहले तो। अनाया, अनाया कहाँ जा रही है आज? अनाया अपनी नानी के घर जा रही हूँ, मैंने रोटी पका ली है दोस्तों। जब भी मैं चकुंदर जैसी हुई भी हूँ, हमारी गुड़िया को देख लो, ये भी चकुंदर लग रहा है। अन्नी मम्मा मम्मा चुच्चू मेरा चुच्चू, नन्ना ताता बोल दो, ताता बोल दो, ताता बोल दो, ताता ताता बोलो, ताता ताता ऐसे बोलो, ऐसे ताता। शर्मा जाता मेरा बच्चा है ना, आज शर्मा जाते उन्हें पालो जो बेटा है, मेरा पालो जो बेटा नहीं बेटी है, क्वीन है ना, अपो की क्वीन हो ना तुम, क्वीन। नाया नैना आप कहाँ जा रही हो? आप अपनी नानू के यहाँ जा रही हो हैं? आप तो बड़ी खुश हो अपनी नानू के यहाँ जा रही हो, है ईद मनाने जा रही हो? आप नानू के यहाँ क्या करने जा रही हो? मुंह में क्या है तेरे, मुंह में क्या है? भाभी जी तो ऐसा लग रहा है वो शादी में जा रहे, अंदर भी बुलाओगे ना? भाभी जी फ्रॉक पहन आई थी बट ना इसके दब रही थी, है ना बेटी, गर्मी लग रही थी ना, इसको ऐसे लूज लूज कपड़े अच्छे लगते हैं। इन्हें भी तैयार किया तो देख लो इनकी शक्ल भी, ये किसी काम की नहीं है, इन्हें अच्छे से रेडी किया
डॉक्टर के यहाँ लेके जाने के लिए इन्होंने अपना टाइम खुद वेस्ट किया, इसलिए इनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई है। इन्हें इनका दांत कल टुटवा के आऊंगी मैं। अन्ना अन्ना भाई टाटा टाटा। अच्छा तुलसी का ये इसमें लगेगा है ना, इसमें कैसे पानी डालते हैं? सवेरे सवेरे उठती हूँ मैं 5 बजे। पूजा वगैरह करते हो ना? मैं पूजा नहीं करती। मैंने पता पहले भी वो फ्लावर वाला बुलाया था, वो उल्लू का पट्टा लगा दिया इसको। ये ऐसे मत लगाओ भैया, इसमें कीड़े हैं। बारीक बारीक से देखो ऊपर की तरफ। दवाई मिक्स कर दी इसमें, अब तो बढ़ जाएगा। नहीं मर तो नहीं जाता पौधा? नहीं, मुझे लगा मर गया बेचारा। इसको तोड़ के ले आई थी ना मैं दूसरे उसमें से, गमले में से। टेढ़ा लगाओगे तुम? कैसे लगे फ्रेंड्स में पौधे बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और वेदर तो बहुत अच्छा है। काम हो जाए, हो गया। ये जी हमने जियो का केबल ले लिया है फिलहाल, तो अब ये तार ऐसी फैली हुई है। ये देखो जियो का ये ले लिया हमने, पूरा प्लान ले लिया। मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, सेटअप बॉक्स, टीवी आएगा ना इसमें। हमने हम आज तक टीवी नहीं देखते थे दोस्तों, और बाहर वाईफाई लग गया हमारा जियो का। लोगों ने कभी टीवी नहीं देखा, हम यूट्यूब देखते थे। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम, अमेजोन, इसका अमेजोन, उसका अमेजोन, मेरा अमेजोन, सबका अमेजोन। हम सब यही देखते थे। आज तक हमने नहीं देखा कुछ भी, और मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है, क्योंकि मैं नहाऊंगी। नहाने के बाद ही मैं तुलसी के पौधे में पानी डालूंगी। और तुलसी का पौधा लाइक हिंदू ही वो नहीं होता कि हिंदू लोग ही डालें या पूजा करने वाले ही तुलसी के पौधे को घर में रखें। तुलसी का पौधा लाइक पवित्र चीज, तो पवित्र चीज आप अपने घर में रख सकते हैं। और भी लोग कितनी इतनी चीजें रखते हैं, ये फलाना टिमकाना। मैंने तो एक पौधा ले लिया क्योंकि मुझे बहुत पसंद है तुलसी का पौधा। और मेरा बड़ा दिल था कि मैं इसमें सुबह सुबह नहा के इसके लिए प्यारा सा लोटा लेके आऊंगी, उससे मैं पानी डाला करूंगी। पहले देखिए वेदर बहुत प्यारा है। एंड यहाँ मैंने यहाँ से सफाई करा दी, वो तो यहाँ लगा के चला गया था। ये देखो ये जी मेरे तुलसी के पौधे हैं, तुलसी जी के पौधे। और ये मेरा एलोवेरा ऐसे रखवा दिया मैंने। अभी क्या करेंगे, इसमें नहा के पानी डालना है सुबह, और एलोवेरा में थोड़ा पानी डालना है, ज्यादा नहीं डालना, इनमें कम पानी डालते हैं। वेदर देखना यार, वेदर इज वेरी सेक्सी। दोस्तों जल्दी से नहा लूं, क्योंकि नहा के इसमें पानी डालूंगी तुलसी के पौधे में, और एलोवेरा में भी डालूंगी। उसके बाद मैं उसके बाद बाइबल पढ़ूंगी, बाइबल पढ़ के खाना खाऊंगी। बस फिर 1 घंटे बाद और खाना खाऊंगी, उसके बाद कुछ नहीं खाऊंगी, क्योंकि 8 या 9 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती हूँ आजकल, फुल ऑन डाइट। वैसे आपको कुछ फर्क पता चल रहा है कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। मेरा थोपड़ा तो चूसी भी अम्बी जैसा हो गया है। मैं कैसे कैसे वर्ड यूज करती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है, कभी कभी करने चाहिए उल्टे से। अनाया चली गई अपनी नानी के यहाँ। वैसे तो मैं अनाया को मिस करूंगी, बट अनाया अपनी आराम से छुट्टियां मनाने गई है नानी के यहाँ, क्योंकि बहुत दिन से घर में ही के लिए। मैं अनाया के लिए दुआ करूंगी, वो अपनी नानी के यहाँ अच्छे से सब छुट्टियां मनाए और मजे करे। बाय बाय अन्नू। पूरा कमरा साफ किया है, इतना गंदा हो जाता। बस ये वाला झूला जो है ना, ये झूला अन्नू भी बंद करना है, इस झूले को बंद करना है मुझे, इसकी वजह से बहुत कचरा लगता है मुझे घर में। ये देखो दोस्तों हमारा जियो का वाईफाई, पहले हमारे यहाँ ये लगा हुआ था और इसमें इतना प्रॉब्लम होता था, अब ये वाईफाई अच्छा ही है, खाली वाईफाई है। इसमें एक वो, एक ये, एक तीसरा ये था, सब कुछ था। अब ये सब काम मैं करूंगी, बाद में करूंगी। अमन भाई बनाएंगे प्रॉन्स, इतने में नहा के आ रही हूँ, ठीक है? बढ़िया बनाई हूँ मैं। मक्खन वक्खन डाल दियो और लहसुन को कूट कर डाल दियो। जीवन में नहीं खाए होंगे ऐसे प्रॉन्स बनाकर। ओके तुम प्रॉन बोलते हैं इसको। अरे हाँ, झींगा झींगा पकड़ लो। डिंगा 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 बेटा वो मत फेंक दियो, झींगा। अदरक लहसुन कूट कर डाल दियो, ठीक है? जान से मेरी कैंची से उठाया तो किसी चीज को। ये देखो हमारे घर में क्या मिला, हटा ले हटा ले। नहा के सो गई मैं फ्रेंड्स, मतलब इतनी तेज नींद आ रही थी ना। मैंने तुलसी के पौधे को अगरबत्ती दिया, क्योंकि देते हैं, क्योंकि हिंदू लोग उसको बहुत इज्जत देते हैं, तो मैंने भी उसको वैसे ही रिस्पेक्ट दी, क्योंकि मेरे लिए भी वो एक पौधे से बढ़कर चीज है। तो इसके लिए मैंने उसको अगरबत्ती दी थी एंड उसमें पानी डाला बिल्कुल साफ सुथरा नहा के। एंड कल से मैं यही करा करूंगी कि अर्ली मॉर्निंग पानी डाल दिया करूंगी उसमें। एंड एलोवेरा में भी डाल दिया मैंने, तो एलोवेरा में उसने बोला 1 दिन छोड़ के 1 दिन पानी डालें, क्योंकि उसमें वरना पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से वो सड़ जाता है। तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन। हाँ मेरी लिफ्ट आ गई, आई एम कमिंग।
आई एम कमीन। एंड मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ कि मेरी दो चोटी कैसी लग रही है। मैं नीचे जा रही हूँ थोड़ा टहलने के लिए, क्योंकि मैं जब मैं लास्ट बाहर निकली थी, आप लोगों ने देखा था मूवी देखने के लिए, उस दिन के बाद से मैं दोबारा बाहर नहीं निकली हूँ। तो इसके लिए मैं अभी नीचे जा रही हूँ, थोड़ा घूम फिर के वापसी आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे घर में बहुत बोरियत हो रही है। मैं किसी रीजंस की वजह से कहीं नहीं जाती हूँ, मैंने अपने आप को खुद ही अपने घर में कैद कर रखा है। जब वो मेरे दिन पूरे हो जाएंगे बताऊंगी कि मैंने कैद क्यों कर रखा था। फिलहाल नीचे पहुंच गई हूँ, कुछ ऐसे घूमती हूँ, थोड़ा चिंगम विंगम खा के आती हूँ बाहर। वापसी आ गई हूँ सामान लेके, चार नींबू लाई हूँ पतले होने के लिए और लिमका लेके आई हूँ। और लिमका अच्छी लगती है यार, कभी कभी थोड़ी थोड़ी भी पी लो ना खाने के साथ। मतलब खाना तो मैं बहुत पहले खा चुकी हूँ, तो यही बस। ये देखो पोछा भी लेके आई हूँ, क्योंकि हमारे घर में पोछा नहीं है। आंटी ना वो टी शर्टों से पोछा लगा ली थी इतने दिनों से। हमारे कोई है लिफ्ट, देखो छठे फ्लोर पर खुल गई अपने आप। ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे डराना लिफ्ट को अच्छा लगता है। बट मैं भी परमेश्वर की बच्ची हूँ, मैं इतनी आसानी से नहीं डरती। मैं सिर्फ अपने खुदा से डरती हूँ और किसी से नहीं डरती। बाकी देख मेरा फिगर मेंटेन हो रहा है, आई लव माय फिगर। दो दिन से मैंने धन्नो नहीं चलाई, धन्नो आज मैं तुझे चलाऊंगी, डोंट वरी। हमारे घर की लाइट चली गई है दोस्तों, मेरा टीवी बंद हो गया है। हेलो मेरे फैमिली मेंबर्स, हेलो। बहुत तेज बारिश हो रही है और मैं नीचे नहीं जा सकती, तो मैं ऊपर मुझे ले रही हूँ अपनी बालकनी में। तो बहुत मजा आ रहा है, देखो आधी मैं गीली हो गई हूँ, मैं रील्स बनाने के लिए आई थी तो आधी तो मैं गीली हो चुकी हूँ। मजा आ रहा है मुझे, बहुत ठंडा ठंडा वेदर है, बहुत मजा आ रहा है। कपड़े पहन के आई हूँ पूरे गीले हो गए, देखना। मुझे वही पूरी भीग गई हूँ। बट फिर भी मैंने रील्स बनाई, रील्स बहुत मस्त बनी। अगर आपको मेरी रील्स वीडियो देखनी हो तो याशना शोना ऑफिशियल मेरी आईडी है, मैं लिख दूंगी, तो देख लेना प्लीज, जल्दी से जाके देखना, फॉलो कर लेना मुझे। बहुत मस्त मस्त रील्स बनाती हूँ मैं, उसमें भी सपोर्ट करना। फिलहाल तो मैं यूट्यूब चैनल पर सपोर्ट कर लो दोस्तों। दो तीन दिन से मैं शॉर्ट वगैरह नहीं बना पा रही हूँ, थोड़ा बिजी थी किसी काम में, फिर थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी क्योंकि वर्कआउट कर रही हूँ। वर्कआउट की वजह से बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत टाइम बाद एक्सरसाइज किए ना। फिलहाल तो गीली हूँ, कपड़े चेंज कर लेते हैं उसके बाद सो जाते हैं, क्योंकि सुबह 5:30 बजे उठना है। आज तो पानी होगा तो 5:30, नहीं तो 6-7 बजे तो उठ ही जाऊंगी। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लव यू गाइज, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। बाय बाय।